गावा सर गुड मॉर्निंग, क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग, डिफेंसिव बैक ब्रिटानिया 577 पर ट्रेड कर रहा है, 5734 का स्टॉप लगाएंगे, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 5850। ब्रिटानिया पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड, ध्यान दे ऑन द लॉन्ग साइड। सचिन आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी यहाँ पर मुझे लग रहा है जुबिलेंट फूड में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पर हमें एक अच्छी अनवाइंडिंग हो सकती है पोजीशंस की, तो 635 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। फिलहाल जो सुबह इसने मॉर्निंग लो बनाया है 608 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको वहीं पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में 635 के टारगेट की। ओके जुबिलेंट फूड 618 पर बाय है आपका। चंदन गुड मॉर्निंग, चंदन खाइकर में जुड़ चुके हैं इस वक्त। चंदन आपका ट्रेड अभी का? गुड मॉर्निंग अनुजन वीरुआ, देखिए अगेन अच्छी बात है कि कोई भी हल्के से डिप आते हैं बाजार में खरीदारी में तब्दील हो जाते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अप है और वहाँ पे रिकवरी हो रही है। अगेन मैं उधर ही फोकस करूँगा, मेरा यहाँ पे रेडार पे काउंटर रहेगा CDSL। और वीरू मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी आपने जब डिस्कस किया था तो मैंने बिकाजी के बाद में CDSL की बात की और ये काउंटर ऐसा है जिसमें मेरा मानना है 8-10% का रनअप बनेगा। टेक्निकली काफ़ी अच्छा सेटअप बना है, लगभग 28-30 दिनों के बाद में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह रहेगी, सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 2570 के आसपास, ऊपर में आपको 2720 से लेके पोजिशनल 2850 तक के टारगेट मिलने चाहिए। ओके CDSL आपका ट्रेड है 2633 पे से बाय। चंदन जी का CDSL हो गया, मानस आपका ट्रेड? महिंद्रा पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन जो लास्ट सेशन था उसमें स्टॉक ने अपने 20-day मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 1499 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा में खरीदारी करिए और आपके जो टारगेट है वो 1535 के होंगे टेक महिंद्रा की कॉलेज। ओके मेन वाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए आप, और क्लासिकल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स प्ले आउट होगा और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं विद मॉर्निंग लोएस्ट स्टॉप लॉस 24,259 का वो स्टॉप लॉस था, एक अगर लग गया ये स्टॉप लॉस तो लग गया, 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो आपको 150 से 200 पॉइंट का हो सकता है। उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको, मैं 24,300 की कॉल देख रहा था जहाँ पर ओपन हाई सेम था, अभी 24,300 की कॉल जो है वो ओपन हाई क्रॉस करके उसके ऊपर निकली है, करीब 166 पर 24,300 की कॉल है इस समय और 164 पर उसका ओपन हाई था, अब 170 पर आ गई है, उसका लो 136 है। अगर आप चाहें तो ये एक और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन ये बस ये है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अभी भी थोड़ी सेलिंग है तो उसका इम्पैक्ट है, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी ही ग्रीन भी आपको देखने को मिले, पॉसिबल है। वोल्टास क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग, जो लगता है रोज कुछ टाटा ग्रुप स्टॉक से चल रहे हैं। फ्राइडे को वीरू ट्रेंड भागा था 12%, आज वोल्टास मूड में है, 8% के मूव वोल्टास में इस समय आ चुके हैं, क्या शानदार शानदार मोमेंटम इस समय ट्रेड में दिख रहा है आपको। चलिए बाकी के ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात होगी। रचना जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी मेरी तरफ से टाटा मोटर्स में लॉन्ग रहेगा और ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है और यहाँ पे अच्छा प्राइस मोमेंटम दिख रहा है और ये काउंटर अगर फ्यूचर्स के हिसाब से 1055 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर 1085 एंड 1100 की तरफ आने वाले दिनों में जा सकता है। अब आशीष बैदी जी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी ग्रैन्यूल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, थोड़ा सा रनअप जरूर हो गया लेकिन सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है इसमें, मैं लग रहा है 655 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है, 680 का पहला टारगेट एंड 695 के सेकेंड टारगेट के लिए। यहाँ पे ट्रेड हो गया आशीष बैदी जी का, राजेश जी का ट्रेड पेंडिंग है अभी। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी देखिए मेरी नजर है HUL पे, मुझे लगता है कि HUL पे एक वेट लेना चाहिए, वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगी। एज ए ट्रेडर मुझे लगता है HUL का जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2710 का, 2710 का स्टॉप लॉस होगा और इवेंचुअली इसको जाना है 2780 या 2800, तो थोड़ा सा डिफेंसिव वेट लिया है इनिशियली, दैट इज HUL। ओके HUL और अभी निफ्टी थोड़ा सा 24,300 की आई थिंक रेंज को पकड़ के चल रहा है। अनुज कमिंग बैक टू द टाइटिंग पॉइंट, पहले ट्रेंट ने बहुत अच्छा मूव दिया, हमने टाटा मोटर्स को देखा CY23 इनको बिलोंग करता है,
ये इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स एक एक करके मूव कर रहे हैं। अब ट्रेंड जैसा मूव वोल्टास देगा नहीं देगा, लेकिन इस ग्रुप ने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है बीते 8 महीने में। अभी ट्रेंड से क्या एक्शन थोड़ा वोल्टास पे आ रहा है क्या? नहीं, वोल्टास के नंबर्स बहुत अच्छे थे एक्चुअली। आई थिंक वीरू, मैं पढ़ रहा था वोल्टास के नंबर्स, और जो नंबर्स थे वोल्टास के उसका देखिए आप, 47% रेवेन्यू बढ़ा इनका, 129% इबिडा बढ़ा, मार्जिन 310 बेसिस पॉइंट, प्रॉफिट 160% बढ़ा, और यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स मतलब एसी बिजनेस जो होता है बेसिकली, वहाँ पर 51% रेवेन्यू जंप किया, मार्जिन ग्रो किए वहाँ पर, और ईएमपीएस ने भी अच्छा किया। तो खैर चल चुका है स्टॉक काफ़ी, लेकिन ट्रेंड भी काफ़ी चल चुका था। लेकिन टाटा ग्रुप के कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स क्लियरली कुछ धमाल मचा रहे हैं, दोनों के दोनों कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स हैं, दोनों के दोनों इस समय धमाल मचा रहे हैं, और अच्छे मूव्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा वीरू, एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं अदानी एंटरप्राइजेस देख रहा था एक बार के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक देखिए आप, ठीक है, ये करीब 3.5% नीचे है। इसकी कॉल्स देखिए आप, इसकी 3300 की कॉल 10% ऊपर है, इसकी 3200 की कॉल एक्चुअली ऊपर है, स्टॉक्स नीचे हैं। और ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट को कोई इंडिकेशन था फ्राइडे को कोई न्यूज़ आ जाएगा, कॉल्स ऊपर है। ये क्या बता रहा है आपको कि लोग डिप में कॉल्स बाय कर रहे हैं? फ्यूचर बाय करना टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लॉट का मार्जिन ही 3.5 लाख के करीब होता है, तो शायद लोग इसमें कॉल्स के थ्रू बाय कर रहे हैं। अभी ट्रेड सही बैठेगी या नहीं बैठेगी ये मैं नहीं जानता, मेरा काम था ये बताना कि मार्केट में क्या एक्शन चल रहा है, वो बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, आपके बोलते मैंने भी देखा अनुज, मैंने भी सर्च किया इसके भी 3300 की कॉल, डायरेक्टर साहब रखिएगा 3300 की कॉल अगस्त की, और वाकई 52। इनफैक्ट मैंने एक बार वॉल्यूम, जैसे ही आपने बोला ना, मैंने उस पर फिर एक बार वॉल्यूम्स भी अप्लाई किए, जस्ट एक बार ज़रा देखता हूँ उस पर, यस करीब करीब 5385 पर, और मूव अच्छा आ रहा है, और आई थिंक अब डे हाई पे आ रही है। तो एक व्यू ले लेते हैं, सिर्फ टेक्निकल व्यू याद रखिएगा, नो कोई ट्रेड व्यू। मानस, इसने क्या अपनी जो एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्रीज थी, मेरे ख्याल से 200 डेमा तो प्लेस्ड है करीब करीब 2990 के आसपास, ये जो फैक्ट अभी अनुज ने स्क्रीन पे रखा, आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं? और आप देखिए कॉल्स की, स्पॉट की, सारी लोअर शेडोज कितनी वाइल्ड हो गई हैं, ये एक्शन कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? तो देखिए ये सही है कि लोअर लेवल पे 3000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अदानी इंटरप्राइजेस में, और अगर अभी आप देखिए तो कुछ सेकंडों पहले स्टॉक ने 20-day मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले और 3250 के भाव वापस आपको देखने को मिल जाए। तो रिस्की ट्रेड है, बट अगर किसी ने ऑलरेडी पोजिशन बना ली है तो मेरे ख्याल से 3000 के नीचे स्टॉप लॉस 2990 जहाँ पर 200-day मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं, एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। अगर ये 3145 के ऊपर निकल जाए तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइज में। भाई आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है सन टीवी, 7.5% स्टॉक नीचे, आई थिंक स्टॉक काफी चल चुका था, अर्निंग्स खराब थी सन टीवी की, अब 8% नीचे आ गया सन टीवी यहाँ पर करीब करीब। मयूरेश, सन टीवी पर कोई व्यू है क्या? नहीं अनुज, आई थिंक नंबर्स काफी वीक थे और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है ये देखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि उनके जो साउथ के की मार्केट्स है आउटसाइड तमिलनाडु, वहां पे रिकवरी कैसे होती है देखना बहुत लाजमी है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ओटीटी बिजनेस और जो मूवी एग्जीबिशन स्टोर प्रोडक्शन का बिजनेस है, वहां पे जो इनकी एक जो इन्वेस्टमेंट हुई है वहां पे क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है और वहां पे स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते वक्त, ये देखना भी लाजमी होगा। बट नो टू वेज अबाउट इट, आई थिंक नंबर जो एक्सपेक्टेड थे उससे सॉफ्ट थे, स्टॉक चल चुका था, देर इज सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट इज नाउ कमिंग।